अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग ये डे एंड नाइट ट्रांजिशन जो है ये बना सीखेंगे। इसके अंदर आप ये स्टार्स बना सीखेंगे, चांद, इसकी रोटेशन जो हो रही है अभी वो, और ये बादलों का जो शेडर है, ये बादल और ये जो सितारे हैं, दोनों कम्प्लीटली प्रोसीजर शेडर्स हैं। तो इस वजह से आपके काफी रेंडर टाइम सेव होगा। तो इन चीज के लिए मैं आपको बताता हूँ अभी आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। इसी हम लोग फ्री 3D मॉडल डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि अगेन ये बस एक एसेट है और मेन पॉइंट आज का नहीं है। तो आप सबसे पहले ये जो मून का जो टेक्सचर है ये डाउनलोड कर लें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर रहा हूँ, और ऊपर अगर आप वहां से डाउनलोड कर लें मून शेडर। और आप गूगल पर जाकर फ्री 3D मॉडल सर्च करें, और फिर कोई सा भी लो क्वालिटी 3D मॉडल जाके उसे इम्पोर्ट कर लें। मैंने एक्स्ट्रा ये इम्पोर्ट किया हुआ है, इम्पोर्ट करने का यह है फाइल इम्पोर्ट। अब जो इसका फाइल की टाइप है ओबीजे हो सकती है, वेव फ्रंट हो सकती है, कोई भी सकती है, वो इम्पोर्ट कर लें। और शायद आपको स्केल करना पड़ेगा, क्योंकि 3D मॉडल आमतौर पर काफी बहुत बड़े होते हैं, चाहे वो लो क्वालिटी क्यों ना हो। तो अब जो सेटिंग्स होंगे उसके लिए हमें ब्लूम चाहिए, एम्बिएंट ओक्लूजन चाहिए, और हम लोग ईवी रेंडर इंजन में होंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक और न्यू कलेक्शन बनाऊंगा, मैं चाहूँ थोड़ा ऑर्गेनाइज हम लोग, इसका नाम हम लोग कहेंगे क्लाउड के नाम से, इस कलेक्शन का नाम होगा। और फिर एक और न्यू कलेक्शन हम लोग बनाएंगे और इसका नाम होगा स्टार। तो जो क्लाउड वाला कलेक्शन है हम लोग उसके अंदर से क्लिक करें, और उसके अंदर क्रिएट करेंगे शिफ्ट ए मैश यूवी स्फीयर, और फिर फ्रंट वन आगे फ्रंट व्यू पे जाएं, और फिर उसे स्केल करते जाएं, और ये सारी जो सिटी है जो बेसिक की बिल्डिंग्स शील्डिंग्स हैं हम लोग कम से कम चाह रहे हैं वो कवर हो जाए। देखें अब ये तक थोड़े और लेके में करना पड़ेगा, इतना फैल सा ठीक है। उसकी सारी बिल्डिंग्स अब टॉप सेवन से आगे टॉप व्यू पे देख लें, सारी उसकी बिल्डिंग्स तकरीबन कवर हो गई है। फिर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दें, फिर टैब दबा के एडिट मोड में जाएं, और उसका जो फेस लेफ्ट मोड है वो जाएं, फिर वन दबा के वापस फ्रंट व्यू पे आए, और जेड वायर फ्रेम करें, डी सेलेक्ट ऑल करें, और फिर बी से बॉक्स सेलेक्ट हम लोग करते हैं, और जो सारा निचला हिस्सा है वो हम लोग एक्स दबा के फेसेस डिलीट कर देते हैं उसके, ठीक। फिर हम लोग फिर से बी बॉक्स सेलेक्ट करके जो निचला हिस्सा है इसका वो सेलेक्ट करेंगे, और फिर शिफ्ट डी एस स्केल करके इसे हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक हो गया। और हम लोग टैप वाके एडिट मोड से वापस बाहर जाते हैं, ठीक। और इसी स्फीयर को हम लोग अब नाम दे देते हैं क्लाउड डोम, ये हमारा डोम होगा। और फिर जूम आउट करें शिफ्ट डी एस करके उसे और ज्यादा बढ़ा ले आए, ब्रेक वाइट फ्रॉम ब्रेक देख ले आप कितना डिफरेंस चाहते हैं, इतना मैं ऐसा डिफरेंस थोड़ा सा और बड़ा मैं कर रहा हूँ, इतना डिफरेंस मैं काफी होगा। और फिर जेड सॉलिड वापस, और इसी डोम को सिलेक्ट करके इसे स्टार वाले में करने डाल दें, और इसका नाम चेंज करके लिखें स्टार डोम, क्योंकि हम लोग पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं जहाँ आप हर जगह पर यूज कर सकें। तो मटीरियल हम लोग बाद में एक ही बार बनाना शुरू करेंगे, लेकिन जो मटीरियल का जो ब्लेंड मोड है मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ब्लेंड मोड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। तो अब इसके बाद में हम लोग ये स्टार डोम अभी के लिए हाइड कर रहा हूँ, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। फिर मैं शिफ्ट ए मैश यूवी स्फीयर फिर से करता हूँ, जी एक्स थोड़ा सा ऐसे इधर ले आते हैं, कंट्रोल सी थ्री दबा के साइड भी में चल जाए, और जी वाई में से भी यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और इसका स्केल कर लेते हैं, ये होगा हमारा राइट करके शेड मोड कर लेते हैं, और ये हमारा होगा मून जी जेड, इसे थोड़ा सा इतना मैं भी ऊपर लेके जाऊँ, लेकिन इसकी पोजिशन हम लोग बाद में चेंज करेंगे। और फिर शिफ्ट ए एम्प्टी प्लेन एक्सिस जी वाई थोड़ा सा ले आते हैं, और जो हमें जो मून का है उसी के में वाई एक्स पोजिशन चाहिए, इसलिए हम लोग मून का ये वाई है ये कंट्रोल सी कॉपी कर लेंगे, और फिर एम टी को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी वहीं पे पेस्ट कर देंगे, तो उसकी सीट में नीचे आ गया। और फिर जो इसका जेड एक्सिस है वो हम लोग कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और फिर जो मून है इसे शिफ्ट जी जेड नीचे यहाँ पर ले आते हैं, और फिर जो ये जेड है ये पेस्ट करते हैं, और लेकिन आगे साथ माइनस का निशान लगा देंगे ताकि ये नीचे उसके साथ एग्जैक्ट ऑपोजिट जा पे आ जाए। मैंने कहा इसकी वजह से हम लोग अभी चेंज करेंगे, उसे स्केल करके थोड़ा बड़ा कर लें, और इसका नाम हम लोग रखेंगे हमारा सन ये होगा। फिर क्योंकि ये एवी वर्जन है तो उसमें जो है लाइट्स बल्ब फिल्टर प्रॉपर काम नहीं करती, तो हमें लाइट्स चाहिए होंगी। फिर शिफ्ट ए लाइट पॉइंट जी वाई हम लोग इसे तकरीबन यहाँ पे रखते हैं, और जी जेड इसकी सीध में जो चांद है उसकी सीध में ले आते हैं, और इसकी स्ट्रेंथ में भी अभी के लिए 1000 कर रहा हूँ, शायद मैं बाद में चेंज करनी पड़े, अभी मुझे इतना पता नहीं है इस बारे में, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटेशन के साथ ही काम होता है। और शिफ्ट टी जी जेड लेके सन के आगे ले आते हैं, और लेकिन सन के आगे हम स्ट्रेंथ ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी, मैं 3000 कर रहा हूँ, और इसका कलर अभी के लिए हम लोग ये ऑरेंज टाइप सा कर लेते हैं,
और हम लोग 1 मिनट के लिए ये जो स्टार डोम है उसे अपीयर करते हैं। हाँ तो ठीक है, स्टार डोम के अंदर ही ये सारा कुछ आना चाहिए। जो चांद और सूरज है ये स्टार डोम और के अंदर होना चाहिए, और जो क्लाउड डोम है उससे बाहर होना चाहिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी ये होता है, पहले बादल होते हैं फिर सूरज चांद आते हैं और उसके बाद फिर वो जो है स्टार जाते होते हैं। तो अब हम लोग उनके मटेरियल असाइन करते जाते हैं। मटेरियल असाइन करने का तरीका ये होगा, पहले इस क्लाउड डोम को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक, और इसके ऊपर हम लोग दो मटेरियल बनाएंगे। और क्लाउड के नाम से एक मटेरियल मैं करता हूँ ऐड, और एक में नाम नया मटेरियल बनाता हूँ, उसका नाम होगा होराइजन। ये होराइजन हम लोग जो स्टार डोम है उसके लिए भी यूज करेंगे। तो टैब दबाएं, और जो होराइजन है इसे सिर्फ जो आउटर रिंग है, ये वाला जो आउटर रिंग है इसे हमें असाइन करना है, और फिर सिलेक्शन इन्वर्ट करें। जो क्लाउड डोम है हम लोग इसे क्लाउड वाल डोम ये मटेरियल सिर्फ असाइन करना है। फिर टैब आउट करें, और फिर क्लाउड डोम को भी के लिए हाइड कर देते हैं, सिटी को भी के लिए हाइड कर देते हैं, स्टार डोम को वापस सामने ले आते हैं, स्टार डोम को सिलेक्ट करें, और उसे भी हमने उसे हम लोग एक न्यू मटेरियल देते हैं, उसका नाम होगा स्टार। और फिर एक और न्यू मटेरियल देंगे, लेकिन वो उस पर यहाँ पर सिलेक्ट करें और यहाँ पर लिख नीचे सर्च कर लें होराइजन होराइजन, ये होराइजन हो गया। आप टैब दबाएं, और हम लोग होराइजन को सिर्फ जो उसका आउटर रिंग है उसे साइन करेंगे, और फिर उसी तरह से ही सिलेक्ट इन्वर्ट, और जो स्टार वाला मटेरियल से क्लिक करके असाइन कर दें। फिर टैब आउट हम लोग कर देते हैं। तो अब हम लोग इसे फिर से हाइड कर देते हैं। अब हम लोग सबसे पहले मैं से रेंडर व्यू में जाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड का जो मटेरियल है वो बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे जाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिर शेडर एडिटर में चल जाते हैं और एन से क्लोज कर देते हैं। और अभी इसके लिए हमें अब दो टैब्स ही चाहिए होंगे, इसलिए आप दोनों टैब्स ओपन कर लें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और इसे थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, हमें इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो 3D व्यूपोर्ट दैट रेंडर्ड, और हमें ऑब्जेक्ट के भी वर्ल्ड के लिए चाहिए मटेरियल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक कलर रैम्प, शिफ्ट दबा के कलर रैम्प आ जाएगी, और फिर उसी तरह से शिफ्ट ए करेंगे, सर्च को क्लिक करें उसी तरह से, और फिर नॉइस सेक्शन में चाहिए होगा। ये काफी सिंपल मटेरियल है, लेकिन हमने रिजल्ट का देख लिया है, तो इसे प्लग इन कर दें इसके साथ, और फिर जो नॉइस है उसे इसके साथ प्लग इन कर दें, और जिसकी डिफॉल्ट सेटिंग था उसे रन दें। लेकिन जो कलर रैम्प है हम लोग उसको चेंज करेंगे, कलर रैम्प को थोड़ा सा आगे लें, ये जो स्लाइडर है इसे काफी आगे लें, लेकिन इतना नहीं, तकरीबन इतना मिल सकता तो ठीक रहेगा। और जो जो व्हाइट वाला स्लाइडर होगा हम लोग क्लिक करते हैं, और इसे फिर हम लोग एक डीप सा डार्क नाइट ब्लू सा कलर दे देते हैं, तो हमें ऐसा ठीक लग रहा है। तो इस तरह से हमारा हो गया वर्ल्ड की वर्ल्ड का कलर ठीक हो गया मेरे ख्याल से, हाँ ये ठीक लग रहा है। फिर वापस हम लोग ऑब्जेक्ट पे चल जाते हैं। तो जो अगला मटेरियल है वो अब हमारा होगा स्टार डोम का जो मटेरियल है वो हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो क्लाउड डोम को भी हम लोग हाइड कर रहे हैं, और मैं स्टार डोम को वापस सामने लेके आ रहा हूँ। तो ये अभी हम लोग जो स्टार डोम का स्टार मटेरियल है वो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले प्रिंसिपल बीएसडीएफ हमें चाहिए, इसे डिलीट करते हैं, फिर शिफ्ट ए सर्च करें एक मिक्स शेडर, ठीक, और फिर से डुप्लीकेट कर लें, और इससे जो इसका उपरला हिस्सा है पहले वाले मिक्स शेडर था उसका कनेक्ट कर दें, और फिर जो पहले वाले है उसे सरफेस के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक। फिर हमें चाहिए एक ट्रांसपेरेंट शेडर, ट्रांसपेरेंट शेडर सर्च करके उसे निकालें, सबको शिफ्ट ए से आप निकाल सकते हैं और फिर सर्च क्लियर करेंगे, और फिर साथ एक ट्रांसलूसेंट बार शेडर में चाहिए, और वो भी हम लोग उसकी निचली साइड के ऊपर प्लग इन कर देंगे। और सॉरी ट्रांसलूसेंट नहीं, ट्रांसपेरेंट ही में चाहिए, शिफ्ट ई करके इसे यहाँ पे ले आए। और फिर हमें चाहिए इमिशन शेडर, इसे प्लग इन कर दें ऊपर ले से के साथ, और इमिशन की स्ट्रेंथ आप 10 कर दें। और फिर हमें अब एक कलर रैंप चाहिए, शिफ्ट ए कलर रैंप, ठीक, ये हम लोग इसके साथ प्लग इन कर देते हैं, इसके फैक्टर के साथ, इसके फैक्टर को कंट्रोल करेगी। और फिर इस कलर रैंप को शिफ्ट ए डुप्लीकेट करते हैं, और हमें एक और कलर रैंप चाहिए इसके फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए। फिर हमें चाहिए एक नॉइस टेक्सचर, नॉइस टेक्सचर का कलर इसके कलर रैंप में ऐड कर दें, और फिर एक मैथ नोड चाहिए, और जो मैथ का ऐड है इसे चेंज करके मल्टीप्लाई कर दें,
और मल्टीप्लाई की वैल्यू को उसके कल रैम के साथ ऐड करते हैं। और फिर आखिरकार फाइनल जो नोड है वो आपको चाहिए वोरोनोई टेक्सचर, और वोरोनोई का जो डिस्टेंस है वो उसकी दोनों वैल्यूज के साथ आपने ऐड कर देना है। ठीक, अभी ये फाइनलाइज अभी भी नहीं हुआ, तो जो स्केल है वोरोनोई का यहाँ पे बहुत मैटर करता है। स्केल से बल्कि बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ जो इसकी सेटिंग्स है, वो आपने इसका ब्लेंड मोड चेंज कर देना है अल्फा क्लिप में। ठीक, और जो शेडो मोड है वो अभी अल्फा क्लिप आप करते हैं। मैंने कहा था ब्लेंड मोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद मैं आपको आगे सेटिंग बताऊंगा। ये देखिए अभी ये जी पैचेस से लग रहे हैं, लेकिन इसका स्केल जो है मैं अगर 100 का दूं तो ये देखिए काफी सारे सितारे बन गए, लेकिन ये जी यू इंटेंस लग रहे हैं, असली सितारे इस तरह नहीं होते, तो हमें थोड़ा सा वो चेंज करना है। तो उसे चेंज करने के लिए ये वाली जो कलर रैंप है जो ये नीचे वाली है इसको देखें, और इसको मैं जितना यू करता जाता हूँ साइड पे तो ये थोड़े कम इंटेंस होते जाते हैं, मतलब उतनी इंटेंसिटी इनकी नहीं रहती, थोड़े नॉर्मल से लगने लगते हैं। तो ये अब आपकी अपनी मर्जी है, स्केल आप जितना करना चाहें, बेशक आप स्केल थोड़ा छोटा कर लें, थोड़ा इंक्रीज कर लें, वो तो आपकी अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है जैसा आप चाह रहे हैं। और जो दूसरा चीज है, अगर आप इन्हें पेयर डिसअपीयर करना चाहते हैं, वो ये जो ऊपर वाले कलर है उससे ये आएंगे और डिसअपीयर होंगे, लेकिन आप इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें बहुत अजीब से तरीके से, यहाँ पे बिल्कुल स्टार्स है ही नहीं, वहाँ पे स्टार्स सारे इकट्ठे हुए। तो अगर आप इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा इवन करना चाहते हैं, तो नॉइस टेक्सचर्स के स्केल को इंक्रीज करें, तो ये देखें इनकी डिस्ट्रीब्यूशन काफी अब इवनली हुई हुई है। तो एनिमेट करने का तरीका की फ्रेम से है, मैं की फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझा रहा हूँ तो आप समझ जाए तो बेहतर है। तो उसी तरह से बाकी सारी चीजों को भी एनिमेट आपने करना है, कलर्स को भी किया जा सकता है, इनकी मूवमेंट को जो क्लाउड्स की मूवमेंट है वो भी इस तरह से एनिमेट होगी। तो एनिमेट करने का तरीका यह समझ लें, अभी ये रात का टाइम है और मैं चाहता हूँ कि दिन का टाइम हो फ्रेम 40 के ऊपर, जूम या करते हैं फ्रेम 0 के ऊपर, दिन का टाइम है। तो ये स्लाइडर सेलेक्ट क्लिक किया हुआ है, उसकी जो पोजिशन है पोजिशन के ऊपर आई क्लिक करें। ठीक है, अब ये इसका जो है की फ्रेम सेट हो गया है। ठीक, फिर फ्रेम 40 के ऊपर मैं कहता हूँ दिन हो जाते हैं, जूम करते हैं दिन का टाइम हो गया, तो मैं चाह रहा हूँ स्टार्स गायब हो जाए। मैं स्लाइडर को मूव करूंगा, सबसे पहले पोजीशन चेंज कर दिया, फिर स्लाइडर को यहाँ पे लेके आना। ठीक है, अभी सारे स्टार्स गायब हैं। फिर मैं यहाँ पे आई दबाता हूँ, एक और की फ्रेम ऐड हो गया। तो अब ये देखें जब मैं प्ले करूंगा अब इसे, तो ये देखें स्टार्स सारे गायब हो गए हिसाब से। अब मैं कंट्रोल मैं की फ्रेम्स रिमूव कर देता हूँ, तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप इसे एनिमेट कर सकते हैं। और बाकी चीजें भी आप देख सकते हैं, काफी वर्सटाइल शेडर है, आपकी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इसका स्केल चेंज हो सकता है, इसकी जो स्टार्स की जो शाइन है वो भी हिसाब से इंटेंस और डिस्टेंस हो सकती है। तो जब ये शेडर बन गया है स्टार्स वाला, तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट शेडर बनाएंगे वो है होराइजन, जो होराइजन शेडर है जो ये बार वाला रंग है उसके लिए बनाएंगे। उसके लिए भी ब्लेंड मोड अगेन इंपॉर्टेंट काफी सारा है, उसे सेलेक्ट करता हूँ मैं अब, और ये प्रिंसिपल बीएसडी फिर से डिलीट कर देता हूँ। फिर शिफ्ट ए मिक्सचर से प्लग इन करें सरफेस के साथ, मिक्सचर के बाद हमें एक मिशन शेडर चाहिए, शिफ्ट ए मिशन शेडर। अब मिशन शेडर हम लोग इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये इन्वायरमेंट के साथ जो है ना कम रिएक्ट करता है, तो हम लोग चाह रहे हैं अपना जो पावर है वो मेंटेन रखें। और इसके बाद हमें एक ट्रांसपेरेंट पीएसटीएफ चाहिए, उसे भी हम लोग मिक्सचर के साथ प्लग इन कर देंगे। और फिर शिफ्ट ए कलर रैंप, इसके बाद एक शिफ्ट ए ग्रेडियंट टेक्सचर, फिर शिफ्ट ए सेपरेट एक्स वाई जी, जो जेड है वो इसके वेक्टर साथ प्लग इन कर दें। फिर एक शिफ्ट ए एम ए डबल पी मैपिंग नोड जो है वो इसके साथ प्लग इन कर दें। और सबसे एंड में टेक्सचर कोऑर्डिनेट जो है वो हमें चाहिए जनरेटेड, इसकी जो लोकेशन है उसके साथ प्लग इन करना है। ठीक, तो जब मैं इस कलर रैम, बल्कि इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, इसका जो ब्लेंड मोड है मैंने कहा था ब्लेंड मोड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसका ब्लेंड मोड जो होगा वो होगा अल्फा ब्लेंड। ठीक, और शेडो मोड जो है वो अल्फा क्लिप ही कर दें। तो जब मैं इसे ये रोटेट करूंगा तो ये देखिएगा, ये देखिए ग्रेडियंट सा जो आ गया इफेक्ट आ गया, फेड होके आ रही है इस तरह से। जो मिशन शेडर का कलर में अभी के लिए नाइट टाइम है, तो उसी के हिसाब से थोड़ा सा ये ब्लूइश टाइप सा करता हूँ, लेकिन यह कि जो इन्वायरमेंट है इर्द गिर्द का जो वर्ल्ड की कलर है उसे थोड़ा लाइट हो ये, ताकि इसका अपनी प्रेजेंस महसूस हो। और बिल्कुल इस तरह लगे कि स्टार्स यहाँ से गायब हो रहे हैं, इसके फायदा ये है कि स्टार्स के अंदर फेड हो जाएंगे। तो इसके बाद जो स्टार डोम है हम लोग से गायब कर जाते हैं और जो क्लाउड डोम है वापस ले आते हैं। तो अब हम लोग जो है सन एंड मून के मटेरियल्स के ऊपर काम शुरू करेंगे। तो मून मटेरियल्स मैंने पहले बनाना एक बार सिखाए थे, मैंने ब्लड मून के ऊपर भी काम किया हुआ ट्यूटोरियल। अगर आप इस तरह की एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है ट्यूटोरियल का मैं
डिस्क्रिप्शन में जा देता हूँ। ठीक, तो आप ब्लड मून बनाना भी सीखेंगे और उसकी एनिमेशन भी सीख सकते हैं उस ट्यूटोरियल के अंदर। अभी मैं आपको सिंपल मून जो है वो बनाना सिखा देता हूँ। तो सब फिर हम मून को क्लिक करते हैं, इसके लिए भी न्यू क्लिक करें मटेरियल, और मटेरियल का नाम हम लोग मून रख देते हैं। तो इसके लिए जो मैंने आपको कहा था ये जो टेक्सचर है ये आपका लिए काम बहुत ईजी कर देगा, ये डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ही होगा। प्रिंसिपल बेस को डिलीट करते हैं, शिफ्ट ए इमिशन शेडर लेते जाते हैं, इसे सफेद सर्कल प्लग इन कर देते हैं, स्ट्रेंथ की 10 कर दें, फिर एक कलर रैम्प ले आए इसे इसके साथ प्लग इन कर दें, और एंड में इमेज टेक्सचर जो है वो प्लग इन कर दें कलर रैम्प के साथ। और जो टेक्सचर है आपको डाउनलोड किया अपने जो डाउनलोड किया है फाइल से वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो अब आप ये करीब से देखेंगे कि मून के जो पैचेस से होते हैं वो आराम से बन गए, आपको कोई मसला करना नहीं पड़ा। और अगर आप ब्लड मून वगैरह सीखना चाहते हैं तो उसका ट्यूटोरियल लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो फिर इसके बाद हम लोग सन का मटेरियल बनाते हैं। तो सन इसका नाम दे देता हूँ। सन का मटेरियल रिलेटिवली काफी सिंपल ही है, प्रिंसिपल बेसिस को डिलीट कर दें, इमिशन नहीं है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली मून से ज्यादा इंटेंस होगी, तो उसकी मैं स्ट्रेंथ डबल कर रहा हूँ, 20 कर रहता हूँ। और एक कलर रैम्प ले आए, एक नॉइस टेक्सचर ले आए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि फील हल्की फुल्की आए, कि दो कलर हैं लेकिन वो डायरेक्ट ऑब्वियस ना हो। तो उसके लिए ब्लैक कलर था, मैं चेंज कर देता हूँ एक ऑरेंजिश से कलर में, और ये जो व्हाइट कलर है इसे हम लोग चेंज कर देता हूँ, ये इंटेंस येलो सा जो कलर है इसके अंदर, इसमें थोड़ा सा मूव करता हूँ। तो मैं हल्से हाँ वैसे ये ठीक ही लग रहा है, लेकिन हाँ ये ठीक लग रहा है। ठीक, तो अब हम लोग जो है क्लाउड डोम जो है उसके ऊपर काम करेंगे। क्लाउड डोम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल बीएसएफ को डिलीट कर दें, और आपको अब चाहिए होगा एक इमिशन शेडर, ओ मिक्स शेडर, सॉरी मिक्स शेडर चाहिए होगा, और उस मिक्स शेडर को आप डुप्लीकेट कर लें, उस मिक्स शेडर को इसी मिक्स शेडर के साथ प्लग इन करते हैं जो सेकंड वाला है, और इसे इसके साथ प्लग इन करते हैं ताकि हम लोग रिजल्ट सारा देख सके। मैंने लास्ट टाइम गलती से मैं भूल गया था। और फिर एक जो है एक एड शेडर हमें चाहिए होगा, तो एड शेडर की जो ये शेडर है इसे इन दोनों के साथ प्लग इन करते हैं, मिक्स शेडर के दोनों स्लॉट्स के साथ प्लग इन करते हैं, और एक शिफ्ट ए टी आर ए एन एस ट्रांसपेरेंट पी एस टी एफ जो है वो साथ शेडर के साथ लगाते हैं। और इसके ब्लेंड मोड जो है इस वाले के लिए ब्लेंड मोड होगा अल्फा ब्लेंड, और शेडो मोड होगा अल्फा क्लिप। ठीक, अभी आप इसका रिजल्ट देखना शुरू कर देंगे। तो एड शेडर के साथ हमें आप पहले एक और कलर रैम भी चाहिए, तो ये जो सबसे पहला मिक्स शेडर है उसके साथ लगा दें, जो सबसे पहला मिक्स शेडर है सेकंड वाले के साथ लगाएगा रिजल्ट बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। जो एड शेडर है उसके साथ हम लोग लगाएंगे एक इमिशन शेडर, उसकी स्ट्रेंथ 0.5 कर लें, और कलर व्हाइट ही ठीक है, लेकिन अगर व्हाइट से अलावा कोई कलर करना चाहते हैं तो सिंपली एक कलर यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। और एक साथ इसके लिए हमें अब चाहिए ट्रांसलूसेंट पीएसटीएफ, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि लाइट के साथ रिएक्ट करें, इमिशन की वजह से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब एड शेडर बीच में करेंगे तो वो रिएक्ट करना शुरू करेगा। अगर आप कलर चाहते हैं बादलों का स्टोन क्लाउड हो तो ब्लैक और ग्रे का, या ब्लैक ग्रे व्हाइट तीनों कलर का कलर रैंप लेकर इसके साथ ऐड कर दें और फिर उन्हें ट्विक करेंगे नॉइस टेक्सचर के साथ, तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग ये शेडर फिनिश कर लेते हैं। तो शिफ्ट ए एन ओ आई नॉइस टेक्सचर कलर के साथ ऐड कर दें, तो अभी जो नॉइस की वजह से वही ठीक है। और फिर हम लोग लगा देते हैं एक मैपिंग नोट जो उसके वेक्टर के साथ जाएगी, और उसके बाद जो है टेक्सचर कोऑर्डिनेट जनरेटेड उसके वेक्टर के साथ जाएगा। तो अभी तो ये देख बादलों से लग नहीं रहा, लेकिन व्यू में इस रैम को मूव करता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल बादलों की तरह शेप लेना शुरू कर रहे हैं व्हाइट और ग्रे से। और जिसमें मैं कह रहा आपको स्ट्रॉन्ग का उसके लिए चाहिए हो सकता है, तो ये रैम हम लोग डुप्लीकेट करते हैं और इमिशन शेयर के साथ को प्लग इन करते हैं। तो अब आप देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा स्टोन क्लाउड से लुक आए तो ये देखें उनका कलर थोड़ा सा डार्क भी हो सकता है, और आप अगर एक और बीच में वैल्यू ऐड कर देते हैं ग्रे की तो उस तरह से भी अलग रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन मुझे अभी के लिए व्हाइट ही चाहिए इसलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। और जितना ये कलर हमको आप मूव करेंगे उस हिसाब से क्लाउड थिक और थिन उसी तरह से होते जाएंगे। ठीक, की फ्रेम्स को तो मैंने आपको पहले ऐड करना सिखा दिया था, और आप मैपिंग के ऊपर भी की फ्रेम्स आई दबा के ऐड कर सकते हैं, उसकी लोकेशन चेंज हो सकती है,
हो सकती है, रोटेशन के ऊपर की फ्रेम लग सकता है, इस तरह से उस तरह से हो सकता है। तो अब ये शेडर भी 3D है, मैं सारे डोम्स को विजिबल अप कर रहा हूँ। ठीक, तो क्योंकि मैंने इनका ब्लेंड मोड अल्फा शेडो मोड भी अल्फा क्लिप किया था, तो अब देखें अब ये लाइट्स जब मैं मून की लाइन इंटेंस करूंगा, मून की स्ट्रेंथ की लाइट की हम लोग इंटेंस कर देते हैं, आई थिंक से 3000 में कर देता हूँ, तो देखें डोम के अंदर भी ये बिल्डिंग्स को लाइट्स जा रही है। लेकिन वैसे मैंने इसे ज्यादा आगे मूव कर दिया है, और जो ये सन है, सन की लाइट है, उसकी स्ट्रेंथ में 5000 कर देता हूँ, और 3 दबा के साइड भी चल जाते हैं। क्लाउड डोम को ओपन करते हैं, जो जो लाइट्स हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं, मून जो है वो उसे भी, और जो सन है उसे भी सिलेक्ट करें, और जी वाई में थोड़ा सा करीब ले आता हूँ, क्योंकि मैं चारों की ज्यादा रिएक्ट करें एनवायरमेंट के साथ ना। तो ये देखिए अब इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा सही असर हो रहा है, लाइट्स का सही असर पड़ रहा है। तो आप क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि जो सन मून और उनकी लाइट सन के साथ ही मूव करें, तो जो सन की लाइट है पहले उसे क्लिक करें, फिर शिफ्ट दबा के सन को क्लिक करें, और फिर कंट्रोल पी प्रिंट ऑब्जेक्ट कर दें। फिर उसी तरह से जो मून की लाइट है उसे सिलेक्ट करें, फिर शिफ्ट दबा के मून को क्लिक करें, पहले उसकी लाइट और उसके बाद उसके जो ऑब्जेक्ट जो चांद है उसको क्लिक करना जरूरी है, और सन के इसमें भी यही बात है, सन की पेंटिंग सबसे होती है, फिर कंट्रोल पी पेंट ऑब्जेक्ट कर दें, और फिर सबसे एंड में जो मून है उसे, फिर सन को, और सबसे एंड में जो एम्प्टी है इनका, ये जो एम्प्टी है, एम्प्टी की लोकेशन गलत हो गई है, तो पहले जो सन किया है इसका जो वाई है वो हम लोग कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी, और जो एम्प्टी है उसे कंट्रोल पेस्ट कर देते हैं। ठीक, अब तो सबसे पहले आप सन को सिलेक्ट करें, फिर मून को करें, और फिर सबसे एंड में एम्प्टी को सिलेक्ट करें, और फिर कंट्रोल पी पेंट टू ऑब्जेक्ट करें। तो अब जब हम लोग एम्प्टी को रोटेट करेंगे, तो देखें सन मून उसके साथ रोटेट हिसाब से हो रहे हैं, ट्रांजिशन इस तरह से होगा, और लाइट स्पिन के साथ ही मूव करेंगी। तो अब मैं सबसे एंड में कैमरा की सेटिंग्स मेल से कर लेता हूँ। अब मेरे से मैं शेडिंग की जरूरत तो है नहीं, इसलिए हम लोग वापस आ जाते हैं व्यूपोर्ट के ऊपर। तो कैमरे को लोकेशन सारी मैं भी 0 कर रहा हूँ बेस में, ठीक, और उसका स्केल में इंक्रीज कर रहा हूँ, कैमरा बहुत छोटा सा लग रहा है। रोटेशन एक्स के ऊपर मैं 90 रख रहा हूँ, जेड के ऊपर 0, ठीक, और हमें ओ दबा के कैमरे की व्यू से, 0 दबा के कैमरे की व्यू से देखता हूँ, तो जो कैमरे की रोटेशन एक्स के ऊपर वो थोड़ी सी चेंज करते हैं, और लोकेशन जेड के ऊपर थोड़ी सी चेंज करते हैं ताकि वो बिल्डिंग से ऊपर आए। रोटेशन वैसे ज्यादा हो गई है, इतना शायद काफी है, ठीक, और इसकी जो लोकेशन वाई के ऊपर तो पीछे पीछे ले जाता हूँ। थ्री दबा के हम लोग थोड़ा दूर से जाकर देखते हैं, आई थिंक ये ज्यादा करीब आ गए हैं सन मून, तो मैं एम्प्टी को क्लिक करके थोड़ा पीछे ले जाता हूँ ताकि थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो, और कैमरे को मैं मैन्युअली सिलेक्ट करता हूँ, या मैं बार बार थोड़ा करना ही पड़ेगा, प्रोसेसिंग है या सी। हाँ, अब हम लोग सही जगह पे आ रहे हैं, तो कैमरे को हम लोग सिलेक्ट करके इसकी रोटेशन थोड़ी सी करते हैं, और जो लोकेशन वाई है वो पीछे ले जाते हैं ताकि हमें ज्यादा बिल्डिंग्स नजर आए। स्टार्ट होम है, उसके स्टार्ट नजर हमें नहीं आ रहे हैं, वैसे इस कैमरे की रेंज है वो भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। मैंने स्टार्ट होम को, या स्टार्ट होम को ही मैं छोटा कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, आप देखिए स्टार्स भी आई थिंक अप्रोक्सीमेटली हमें नजर आएंगे। कैमरे की जो जो स्टार्ट क्लिपिंग है वो हम ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, ये देखें अब वो स्टार्स हैं विजिबल हो गए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर थे इस वजह से, अब स्टार्स भी विजिबल हैं। तो मैं जो एम्प्टी है उसे सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ सन मून की ट्रांजिशन हो, तो पहले उसकी जो लोकेशन 0 के ऊपर है उसके ऊपर मैं आई का क्लिक करता हूँ, ठीक है, उसकी रोटेशन अब जिस लॉक हो गई है, मैं चाहूँ फ्रेम 120 के ऊपर वापस सुबह हो जाए, तो रोटेशन जो उसकी वाई एक्सिस के ऊपर है मैं वो 180 कर लेता हूँ, फिर उसके ऊपर आई क्लिक करता हूँ, तो ये देखिएगा सर मून नीचे गया और सन ऊपर आ गया। इसी तरह से फिर हम लोग बाकी की फ्रेम्स भी ऐड करते जाते हैं,
मैं क्लाउड्स की मूवमेंट्स मिनिमल नहीं रखूंगा इस ट्यूटोरियल में, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया तो ऐसे भी हो चुका है। तो शेड्यूलर में चले जाते हैं, क्लाउड होम ऐसे क्लिक करें और जो उसका क्लाउड का मटेरियल है उसके ऊपर हम लोग मैपिंग करते हैं। तो फ्रेम 0 के ऊपर मैं चाह रहा हूँ उसकी रोटेशन और लॉक हो जाए, और फ्रेम 120 के ऊपर से वो हो चुकी होगी। तो उसके लिए लोकेशन थोड़ी सी मैं रैंडम कर देता हूँ और रोटेशन भी थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, और फिर इनके ऊपर आई आई लोकेशन अब इनकी लॉक होगी। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जो क्लाउड्स हैं उनकी थिकनेस भी चेंज हो। तो फ्रेम 0 के ऊपर उनकी थिकनेस जो ये है थोड़ी कम है, मुझे थोड़ी ज्यादा चाह रहा हूँ। फ्रेम 0 के ऊपर मैं इतनी चाह रहा हूँ थिकनेस इतनी हो, फिर फ्रेम 40 के ऊपर इनकी थिकनेस कम बहुत ज्यादा कम हो जाए आई, और फिर फ्रेम 120 जो था उसके ऊपर इनकी थिकनेस वापस इतनी हो जाए तकरीबन। तो ये देखिएगा उस तरह से मूवमेंट भी हो रही है और क्लाउड का साइज डिक्रीज डिक्रीज भी होता जा रहा है। अब लास्ट चीज जो है वो है लास्ट चीज बल्कि सेकंड लास्ट चीज बन गया, जो स्टार्स हैं उसे क्लिक करते हैं स्टार डोम को। तो ये उनकी ओ सॉरी ये अर्थन मीटर सेलेक्ट हुआ, स्टार डोम को क्लिक करते हैं तो उनकी विजिबिलिटी ये वाला स्लाइडर करता था। तो नाइट टाइम के ऊपर तो जरा वाला स्टार विजिबल होंगे तो मैं आ पाता हूँ ठीक, लेकिन इतने पॉइंट तक तकरीबन सूरज निकल के आ चुका है। तो इतने पॉइंट तक मैं चाह रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली इतने पॉइंट तक मैं चाह रहा हूँ ये सारे स्टार्स गायब हो जाए। तो फिर मैं इसे गायब रोटेट कर देता हूँ और फिर यहाँ पे आई दबा के एक और की फ्रेम ऐड हो जाएगा, तो इससे पहले पहले सारे स्टार्स गायब हो जाएंगे। और फिर जो वर्ल्ड है, क्योंकि वर्ल्ड से ही सारी लाइटिंग हमारी हो रही है तो उसके ऊपर भी हमें की फ्रेम्स ऐड करने पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो है वर्ल्ड के ऊपर चले जाते हैं, और उसके जो कलर्स हैं उन्हें भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों स्लाइडर्स को बार बार ही करना पड़ेगा, इस स्लाइडर भी सिलेक्ट हुआ है इसके ऊपर आई 0 फ्रेम 0 के ऊपर, और जो दूसरा स्लाइडर से क्लिक करके आई उसके ऊपर भी 0, और उसका जो कलर है उसके ऊपर भी की फ्रेम ऐड कर देते हैं क्योंकि कलर यहाँ पर चेंज होंगे, स्लाइडर के ऊपर करने की जरूरत नहीं है। तो इस कलर के ऊपर भी आई दबा देते हैं ठीक। फिर उसके बाद फ्रेम 120 के ऊपर क्योंकि सुबह हो रही है तो उसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो कलर है वो काफी लाइट हो जाए ना अप्रोक्सीमेटली, और मैं आइट बार देता हूँ। और जो दूसरा जो ब्लैक कलर है उसका कलर भी काफी लाइट हो जाए तकरीबन ये ब्लूइश टाइप सा शेड आ जाए। इसके ऊपर भी आइट बार के मैं की फ्रेम ऐड करता हूँ, तो इस तरह से ये दिन रात की ट्रांजिशन हो जाएगा करीबन। और जो फाइनल चीज है वो इनकी जो लाइट्स है सन मून के साथ जो लाइट्स लगी हुई है, तो जो इसकी साथ लाइट है सन के साथ उसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ये सुबह के टाइम तो यही है, इसका कलर के ऊपर आई में क्लिक कर देता हूँ, लेकिन जब सुबह हो जाए तकरीबन इतनी हो जाए तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा लाइटिश मॉर्निंग टाइप का जो कलर है ना येलो वो आ जाए, और फिर आई दबा के यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड हो गया इसके लिए। और जो मून मून की लाइटिंग ठीक है, तो अब मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट रिजल्ट ऑलमोस्ट दिखाता हूँ। प्ले करते हैं, उसके साथ सुबह का टाइम आ गया। कलर्स आप खुद मेस अराउंड कर सकते हैं, अगर शाम का टाइम होगा, अगर आप सुबह से शाम को ना जाते हैं तो ऑब्वियसली बीच में आपको ट्रांजिशन ऑरेंज कलर के बीच में थोड़ी डालनी पड़ेगी। जब ये इस पॉइंट तक तकरीबन पहुंचेगा, सिटी आपकी अपनी मर्जी है, स्टार्स की अगेन आपकी अपनी मर्जी है, क्लाउड्स का भी अपनी मर्जी है, आप शो करना चाहें बारिश शारिश होना जाती है कुछ, और होराइजन के साथ भी आप थोड़ा बहुत मेस अराउंड कर सकते हैं। अगर हम लोग सिटी सेलेक्ट करें तो होराइजन का भी मैं क्लिक करता हूँ, होराइजन का शेडर है, तो ये रात के टाइम तो यही कलर ठीक रहेगा। वर्ल्ड कप जाए ऑब्जेक्शन मोड में चला जाता हूँ, तो रात के टाइम पे ये कलर ठीक है ब्लूइश था, इसके ऊपर आई क्लिक करते हैं, लेकिन जो दिन के टाइम है अगेन इस पॉइंट तक तकरीबन होराइजन का कलर चेंज हो जाता होता है आमतौर पर ना, तो जो होराइजन का कलर होगा वो काफी लाइट ब्लू सा हो जाए, काफी लाइट ब्लू हो जाए लेकिन ये इतना हाईलाइट हो जाए। और फिर आई दो बाकी यहाँ पे भी हम लोग की फ्रेम ऐड करते हैं। होराइजन थोड़ा बहुत मैटर करती है, डिपेंड करता है आप बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा इंटेंस है तो शायद होराइजन नजर भी नहीं आएगा, लेकिन कुछ केस में नजर आ भी सकता है। तो अगर आपको मून वो ब्लड मून ट्यूटोरियल चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।